अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज ऑप्टिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 17 है। तो आज के लेक्चर में भी जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, मिरर एंड लेंजेज का चैप्टर, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मिरर एंड लेंजेज के चैप्टर में हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 16 जो था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था साइन कन्वेंशंस के टॉपिक को, कि साइन कन्वेंशंस जो हम लेते हैं इजीली जिस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर सकें कि हमारे पास जो इमेज है वो कहाँ पर है और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, उसको हमने कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, ये जो सारी चीज़ें थी ये हमने डिस्कस की थी साइन कन्वेंशंस के टॉपिक में। अब साइन कन्वेंशंस के टॉपिक में हमने एग्जांपल्स भी ली थी, जैसे हमने कनकेव मिरर को कन्वेक्स मिरर को स्टडी किया था। मैंने कहा था कि कन्वेक्स मिरर हो या हमारे पास कनकेव मिरर हो, दोनों में हमारे पास दो साइड्स होती हैं। एक को हमने आर साइड का नाम दिया था। जो आर साइड हमारे पास होती है वो लेफ्ट वाली साइड होती है, मतलब ये अगर मेरे पास मिरर पड़ा हुआ है जो लेफ्ट वाली साइड होगी, इसे हमने नाम दिया था आर का, तो ये हमारे पास आर साइड हो गई। आर साइड पर हमने देखा था कि आई ओ आर एंड एफ पॉजिटिव होते हैं। अब आई ओ आर एफ क्या थे हमारे पास? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दी फोकल लेंथ, ये इस आर साइड पर हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। और आर साइड हम क्यों कहते हैं, इसकी रीज़न हमने देखी थी कि आर साइड पर हमारे पास जो इमेज है वो हमेशा रियल बनता है इस साइड पर, इसलिए हम इसको आर साइड कहते हैं। और क्योंकि इमेज रियल बनता है इसलिए हम इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हमारे पास आर साइड हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि हम इस मिरर की दूसरी जो राइट वाली साइड है उसको हमने नाम दिया था किसका? वी साइड का। अब वी साइड को हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में कि इस वी साइड पर हम आई को, ओ को, आर को और एफ को नेगेटिव लेते हैं। अब क्यों नेगेटिव लेते हैं, इसकी भी रीजन मैंने बताई थी आपको कि हमारे पास ये जो वी साइड है इस पर जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल बनता है, इसीलिए हम इसे वी साइड का नाम देते हैं। क्योंकि इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो आई ओ आर एंड एफ हैं इनको हमेशा नेगेटिव लेते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, साइन कन्वेंशंस के टॉपिक को। लेकिन इस साइन कन्वेंशंस के टॉपिक में आज हम डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसके आगे हमने कनकेव मिरर रख दिया है या कन्वेक्स मिरर रख दिया है और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है कनकेव मिरर की तरफ या कन्वेक्स मिरर की तरफ, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, आर साइड पर या वी साइड पर, और हम उसे कौन सा साइन देंगे, इन चीज़ों को आज हम स्टडी करेंगे। साइन कन्वेंशंस का टॉपिक ही आज हम कंटिन्यू करेंगे, इसके रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल से। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल को जिसमें क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है टूवर्ड दी कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की तरफ। यहाँ पर देखें डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने कनकेव मिरर शो किया हुआ है, कनकेव मिरर की तरफ ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मैंने ओ का नाम दिया हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है इस कनकेव मिरर की तरफ। तो अब क्या होगा नेक्स्ट हमारे पास, द इमेज लोकेशन वेरी एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मूव क्लोजर टू द मिरर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जैसे जैसे ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये इस मिरर के करीब आता जाएगा इसकी इमेज की लोकेशन वेरी होती जाएगी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट वेरी होती जाएगी। यहाँ से हम क्या रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से वो मैटर करता है इमेज के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस अगर हमारे पास यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहाँ पर इसके पास आ रहा है, मतलब इस मिरर की तरफ मूव कर रहा है, जैसे जैसे ये इस मिरर के करीब आता जाएगा इमेज की जो पोजीशन है लोकेशन जो है वो वैसे वैसे चेंज होती जाएगी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैटर करता है कि इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम ली हुई है, ये हमारे पास आर साइड हो गई, ये हमारे पास वी साइड हो गई।
अब यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता हुआ यहाँ पर आ गया है सी और ओ एफ के दरमियान। एफ हमारे पास फोकल पॉइंट है और सी जो है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से मैंने दो रेज ली हैं, ये वाली रे और ये वाली रे। रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज जो हैं ये यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रही हैं। अब इसका मतलब है कि इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगा, और क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड हमारे पास फोकस कर रही हैं दोनों रेज, तो इमेज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, मतलब इन्वर्टेड होगा इमेज हमारे पास। तो आई होप आपको यहाँ तक डायग्राम समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मूव किया और इमेज जो है वो हमारे पास आर साइड पर बन गया। अब यहाँ पर देखें वी साइड पर हमारे पास इमेज नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। इस केस में जो इमेज बनता है हमारे पास वो राइट साइड पर बनता है इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, इन दिस फिगर वन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल पॉइंट। अब फोकल पॉइंट से ज़रा ये दूर है ऑब्जेक्ट, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड। राइट साइड पर इमेज बन गया, हमने ये देख लिया। बोथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस आर टेकन टू बी पॉजिटिव। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस जो होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ऑल्सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टेकन टू बी पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा उसे भी हम पॉजिटिव के तौर पर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था कि हमारे पास एक मिरर की दो साइड्स होती हैं, आर साइड होती है और वी साइड होती है। आर साइड वो साइड होती है जिस पर हमारे पास हमेशा रियल इमेज बनता है, वी साइड वो साइड होती है जिस पर हमेशा हमारे पास वर्चुअल इमेज बनता है। आर साइड पे क्योंकि रियल इमेज बनता है इसलिए हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सारी चीज़ें हम पॉजिटिव लेते हैं। वी साइड पर क्योंकि हमारे पास जो इमेज है वो वर्चुअल बनता है इसलिए हम आर ओ आई ये सारी चीज़ें जो होंगी ये हम नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सारी चीज़ें अगर हम इस साइड पर कंसिडर करेंगे तो हम नेगेटिव लेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि अगर हमारे केस में जो हमने आज केस डिस्कस किया है, जो एग्जांपल हम ले रहे हैं कनकेव मिरर की, उसमें जो हमारे पास इमेज बना है वो आर साइड पर बना है, मतलब रियल साइड पर बना है, तो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये सारी चीज़ें पॉजिटिव ले ली हैं। नाउ द ऑब्जेक्ट मूविंग क्लोजर टू द मिरर सच एज द ऑब्जेक्ट इज नाउ एट द फोकल पॉइंट। अब हमने शुरू में क्या कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास वो मूव कर रहा था किसकी तरफ, मिरर की तरफ मूव कर रहा था, और मिरर हमने लिया हुआ था कनकेव मिरर, जैसे फिगर में मैंने शो भी किया हुआ है, ये हमारे पास कनकेव मिरर है। मैंने मिरर की जस्ट वन साइड शो की हुई है, ये वाली साइड मैंने शो की हुई है मिरर की। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास कनकेव मिरर है। हमने नेक्स्ट क्या कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले हमारे पास कहाँ था, पिछले केस में सी और एफ के दरमियान में था। अब जो ऑब्जेक्ट है वो मूव किया और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास आ गया इस पॉइंट पर, फोकल पॉइंट पर हमारे पास आ गया। ये हमारे पास फोकल पॉइंट और फोकल पॉइंट पर हमारे पास इमेज आ गया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इस इमेज से जब रेज निकल रही हैं हमारे पास तो ये कहीं भी हमें फोकस करती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर जाकर ये फोकस करें, मतलब कहीं दूर, बहुत ज़्यादा दूर इमेज बन जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि इन दो रेज को, क्योंकि हम इस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कनकेव मिरर को, कनकेव मिरर को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, और कन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि
ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों रेज डाइवर्ज करें, मतलब एक दूसरे से ना मिले, फोकस पॉइंट ना शो करें। तो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पर जाकर ये हमें ज़रूर फोकस पॉइंट जो होगा वो शो करेंगी, मतलब ये जो दोनों रेज हैं ये इस पॉइंट पर नहीं मिल रही, कहीं दूर जाकर हो सकता है ये दोनों आपस में मिल जाएं और हमें ये फोकस पॉइंट मिल जाए, और इस फोकस पॉइंट पर हम कह सकेंगे कि इमेज हमारे पास बन गया है। अब यहाँ पर भी आपको पता चल रहा होगा कि फोकस पॉइंट जो हमारे पास होगा वो डेफिनेटली इस प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड होगा, क्योंकि रेज डाउनवर्ड जा रही हैं। तो हम यहाँ से ये बात तो कंफर्म कह सकते हैं कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, लेकिन यहाँ से ये भी हम कंफर्म बात कह सकते हैं कि इमेज बनेगा अगेन राइट साइड पर ही, मतलब आर साइड पर हमारे पास बनेगा, इस साइड पर हमारे पास इमेज नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमने रिजल्ट यहीं से फाइंड आउट कर लिया कि रेज जो हैं वो यहाँ पर तो नहीं मिल रही, लेकिन किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर जाकर रेज मिलेंगी ज़रूर, और इन्फिनिटी पॉइंट क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड है तो इमेज जो हमारे पास होगा वो इन्वर्टेड इमेज होगा और आर साइड पर होगा। अगर आर साइड पर इन्वर्टेड इमेज हमें मिल रहा है तो हम अगेन यहाँ से रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी एट द फोकस पॉइंट देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर बनता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है आपके पास। ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट हो वो आ जाए फोकस पॉइंट के ऊपर तो इमेज कहाँ पर बनता है इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो आपने बताना है कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनता है अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पॉइंट पर हो इन केस ऑफ कनकेव मिरर, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इन्फिनिटी पर बनता है। अगेन इन दिस केस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों लेंगे, ये रीज़न आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। यहाँ पर देखें, क्योंकि हमारे पास अगेन जो इमेज बना है वो हमारे पास बना आर साइड पर ही है, लेकिन इन्फिनिटी पर बना है, अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बना है, डाउनवर्ड मतलब इन्वर्टेड इमेज बन गया है हमारे पास, लेकिन वो वी साइड पर नहीं बना, आर साइड पर बना है। तो हम कह सकते हैं कि अगेन हम इस केस में भी जब ऑब्जेक्ट हमारे पास जो फोकस पॉइंट पर होगा इमेज डेफिनेटली इन्फिनिटी पर बनेगा, लेकिन अगेन हमारे पास जो सारी चीज़ें होंगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ें हमारे पास पॉजिटिव आएंगी क्योंकि आर साइड पर हमने इमेज को ऑब्जर्व किया। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है टुवर्ड द मिरर, तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पॉइंट के अंदर आ गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास होता है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट सॉरी फोकस पॉइंट का डिस्टेंस जो हमारे पास होता है फोकस पॉइंट से इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो इसका मतलब है अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ के अंदर आ चुका है। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ के अंदर आ जाए तो हम चाहे रेज को इन्फिनिटी तक ले जाएँ, जैसे ये रेज हमारे पास हैं इन्हें हम इन्फिनिटी तक भी ले जाएँ, तो हमारे पास क्या होगा, इमेज कहीं भी नहीं बनेगा, इन्फिनिटी पर भी ये रेज जो हैं ये फोकस पॉइंट आपको शो नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो इतने अगर इसका डिस्टेंस इतना ज़्यादा कम हो गया है तो हम इतना ज़्यादा इन्फिनिटी पर नहीं जा सकते कि इसके ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकें। तो हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि रेज को हम बैकवर्ड साइड पर एक्सटेंड करते हैं। जैसे हमने पिछले अपने दो तीन लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इस तरह का केस आ जाए जिसमें जो रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट शो ना कर रही हूँ, तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास रेज होती हैं वो मिलती नहीं है किसी भी पॉइंट पर, हम उसे बैकवर्ड साइड पर एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि रेज को मैंने दोनों रेज को बैकवर्ड साइड पर एक्सटेंड कर दिया है यहाँ पर। तो अब देखें दोनों रेज इस पॉइंट पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं आपको,
ये वाला जो पॉइंट होगा जहां पर रेज बैकवर्ड साइड पर एक्सटेंड करने के बाद जो दोनों रेज हैं वो एक दूसरे को कट कर रही होंगी, एक फोकस पॉइंट शो कर रही होंगी, वहां पर हमारे पास इमेज बन जाएगा। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट तो हमारे पास बहुत ज्यादा स्मॉल था साइज में, लेकिन जो इमेज बना है हमारे पास वो बहुत ज्यादा लार्ज बना है साइज में। यहाँ से हम ये रिजल्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास एट दी विद इन दी फोकल लेंथ हो तो इमेज हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज बनता है और वी साइड पर बनता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इमेज जो है हमारे पास वर्चुअल है। तो इमेज जब हमारे पास वर्चुअल होगा तो क्या करेंगे हम कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि वर्चुअल जब हमारे पास वर्चुअल साइड पर कोई भी इमेज बनेगा उसमें हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें हम नेगेटिव लेंगे। तो इसका मतलब है जो लास्ट केस था हमारा, इस केस में हम इन सारी चीज़ों को नेगेटिव लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इन दिस केस द इमेज विल फॉर्म ऑन द वी साइड। वी साइड मतलब वर्चुअल साइड। सो इमेज डिस्टेंस टेकन, इमेज डिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव। जो इमेज डिस्टेंस होगा उसको हम नेगेटिव के तौर पर लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास आर साइड पर था, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई कि मैंने आपको पीछे बताया कि इस साइड पर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ सारा नेगेटिव लेंगे, लेकिन सॉरी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास अभी भी आर साइड पर है, तो हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा अभी भी आर साइड पर है, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। लेकिन जस्ट हमारा जो इमेज बना है वो वी साइड पर बना है, इसलिए जस्ट हम इमेज के डिस्टेंस को ही नेगेटिव लेंगे। बाकी जो आर साइड पर चीज़ें होंगी वो हमारे पास पॉजिटिव होंगी, जितनी हमारे पास वी साइड पर चीज़ें आएंगी वो नेगेटिव होंगी जस्ट हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो डिस्टेंस होगा इमेज का डिस्टेंस सिर्फ नेगेटिव होगा, बाकी जो डिस्टेंस होंगे हमारे पास, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आर साइड पर है, इसको पॉजिटिव लेंगे। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी आर साइड पर है, इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे। जस्ट जो इमेज है वो हमारे पास वी साइड पर आ गया, तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा कि हमने डिफरेंट एग्जांपल को कंसीडर करते हुए डिस्कस किया कि किस साइड पर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ और द रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा मुझसे। आज का लेक्चर जो आपका है वो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि जब ऑब्जेक्ट जो हमारे पास फोकस पॉइंट पर हो तब इन्फिनिटी पर इमेज बनता है, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर हमने डिस्कस किया कि जब ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो विद इन दी फोकल लेंथ आ जाए तो इन्फिनिटी पर भी नहीं बनता, बल्कि इमेज जो है वो साइज में बड़ा बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है राइट साइड पर, मिरर के राइट साइड पर, मतलब वो साइड हमारे पास वी साइड होगी, वर्चुअल साइड। तो आज के लेक्चर में कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।